This is my portal. 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 We all have same portal, that is Economic Portal. Auzubillahi minashaitanir rajeem. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. आज मैं आपको MA इकोनॉमिक्स पार्ट टू का सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। अब MA इकोनॉमिक्स में जो सब्जेक्ट रिसर्च मेथडोलॉजी है पार्ट टू के लिहाज से, ये कंपलसरी सब्जेक्ट है जो कि हर स्टूडेंट ने इसके पेपर लाजमी देने होते हैं, चाहे आप पंजाब यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या बहाउद्दीन जक्रिया यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं या सरगोधा यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं, आपको ये पेपर लाजमी अटैम्प्ट करना पड़ेगा। अब इसमें 50 मार्क्स का पेपर जो है ना वो क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी कि 5 क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और 3 क्वेश्चंस आप लोगों ने करने होंगे। अब इसके लिए जो मैं सबसे पहले बताऊँगा कि बुक्स कौन कौन सी हैं जो कि रिसर्च के लिए हम टीच करते हैं, एक नवाज अहमद की बुक है जिसका टाइटल आप देख सकते हैं, ये होगा। और उसके बाद एक रंजीत कुमार की बुक है और एक उमे सक्रैन की बुक है। तीनों रिसर्च की बुक्स हैं, लेकिन मैं जो प्रेफर करता हूँ मास्टर्स क्लासेस के लिए वो नवाज अहमद की बुक से है। अब इस बुक में टोटल जो चैप्टर्स हैं तकरीबन 12 है, नवाज अहमद की बुक में ना 12 चैप्टर्स हैं, और इसमें से मैंने हर चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और पेपर जो है ना उसमें मेजोरिटी क्वेश्चन, यानी इसी इंशाल्लाह आपका पेपर इसमें क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से, तो चैप्टर नंबर 1 नवाज अहमद की बुक में इसका नाम है रिसर्च मेथड्स एंड इंट्रोडक्शन। अब इसमें जो क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया है वो डिफाइन रिसर्च एंड टाइप्स ऑफ रिसर्च आर क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन डिफाइन रिसर्च टाइप्स ऑफ रिसर्च एंड क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, और सेकेंड इसमें है स्टेजेस आर स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी सेकेंड क्वेश्चन जो फर्स्ट चैप्टर में होगा वो स्टेजेस एंड स्टेप्स ऑफ रिसर्च। उसके बाद सेकेंड चैप्टर जो है थ्योरी एंड बेसिस ऑफ रिसर्च, जो सेकेंड चैप्टर रिसर्च का है, इसमें एक टॉपिक है इंडक्शन डिडक्शन, सेकेंड चैप्टर में इंडक्शन डिडक्शन। ये पेपर में आपको शॉर्ट नोट के तौर पे पूछ सकते हैं 10 मार्क्स का, के राइट अ नोट ऑन इंडक्शन एंड डिडक्शन चैप्टर नंबर 2 में। और उसके बाद चैप्टर नंबर 2 में आपने जो करना है वो है रिसर्च टेक्निक्स, जिसमें क्वालिटेटिव रिसर्च है, क्वांटिटेटिव रिसर्च है, इंटरव्यू, टाइप्स ऑफ इंटरव्यू, ये चैप्टर नंबर 2 में क्वेश्चन होगा। और चैप्टर नंबर 3 जो है इसका नाम है साइंटिफिक थिंकिंग, यानी साइंटिफिक रिसर्च। ये चैप्टर नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, और अक्सर पेपर की जीनत बनता है ये, यानी कि डिफाइन साइंटिफिक रिसर्च का, या वो कहेगा कि हाल मार्क रिसर्च टेक्निक जो है ना इसको यूटिलाइज करके आप क्वेश्चन लिखें, हॉल मार्क के नाम से ये क्वेश्चन आएगा, ये चैप्टर नंबर 3 में हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 4 की बात करें तो चैप्टर नंबर 4 में जो है ना चैप्टर का नाम है वेरिएबल एंड हाइपोथेसिस, इसमें जो क्वेश्चन आता है डिफाइन वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है चैप्टर नंबर 4 में। उसके बाद चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में देखें तो इसके अंदर जो क्वेश्चन आप लोगों ने करना है वो है
रिसर्च पेपर ऑर्गेनाइजेशन, तीन क्वेश्चन ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन लाजमी पेपर में आता है, एक रिसर्च रिपोर्ट है, रिसर्च पेपर ऑर्गेनाइजेशन है और रिसर्च प्रपोजल है। ये तीन क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनमें से एक क्वेश्चन लाजमी आता है। जो मेजोरिटी क्वेश्चन पूछा जाता है वो रिसर्च प्रपोजल का है कि वो अपना कोई टॉपिक चूज करके आप एक रिसर्च प्रपोजल को जो है ना वो लिखें। तो चैप्टर नंबर 5 की बात कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 5 में आप, मैंने बताया कि जो क्वेश्चन करना है वो आपने रिसर्च प्रपोजल हो जाएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 6 की बात करें तो चैप्टर नंबर 6 में स्केलिंग है, मेजरमेंट ऑफ स्केल, यानी कि डिफाइन या क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स ऑफ स्केल्स, ये चार नॉमिनल ऑर्डिनल स्केल्स हैं, यानी कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के लिहाज से मेजर किया जाता है, नॉमिनल ऑर्डिनल और उसके बाद इंटरवल एंड रेशियो स्केल्स। ये चैप्टर नंबर 6 में आपने ये क्वेश्चन करना है। उसके बाद ये सिलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपका पेपर जो है ना इंशाल्लाह वो कवर हो जाएगा। चैप्टर नंबर 7 में आपने सर्वे मेथड करना है कि सर्वे, कलेक्शन ऑफ डाटा, डाटा को कलेक्ट करने के लिए हम सर्वे करते हैं, जिसमें फेस टू फेस होता है, टेलीफोन इंटरव्यू होता है, यानी डिफरेंट टेक्निक्स को यूज करके हम डाटा कलेक्ट करते हैं। और इसमें टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू, डिफरेंट प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इंटरव्यू, ये क्वेश्चन करना है। ये चैप्टर नंबर 7 में है और क्वेश्चन नंबर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसमें ये क्वेश्चन नंबर 10 बनेगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 7 में ही लास्ट एक शॉर्ट नोट में क्वेश्चन टॉपिक आता है, ये ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड इंटरव्यू, इंटरव्यू की टेक्निक्स है ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड, ये भी शॉर्ट नोट में आपको क्वेश्चन आएगा। और इसके साथ चैप्टर नंबर 7 उसका लास्ट क्वेश्चन प्रिंसिपल एंड टेक्निक ऑफ क्वेश्चनियर, यानी क्वेश्चनियर जब आपने डिजाइन करना है तो कौन कौन से प्रिंसिपल को मद्देनजर रखना पड़ेगा, ये चैप्टर नंबर 7 में आपने करना है। उसके बाद चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो चैप्टर नंबर 8 में कोई नहीं, चैप्टर यानी कि क्वेश्चन चैप्टर नंबर 8 में इंपॉर्टेंट नहीं है। चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो 9 में भी, यानी चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ठीक है, ये चैप्टर्स जो है ना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिहाज से इसमें कुछ नहीं है, यानी इसमें से सिर्फ एक टॉपिक, चैप्टर नंबर जो 10 है ना उसमें एक टॉपिक आया हुआ है पेपर्स में, सिमुलेशन, यानी ये भी शॉर्ट नोट में आया है, बाकी क्वेश्चन इसमें नहीं आए। उसके बाद चैप्टर नंबर 11 जो है ना, जो मैंने पहले आपको बताया था कि रिसर्च प्रपोजल के लिहाज से, तो चैप्टर नंबर 11 में रिसर्च प्रपोजल, और इसमें ना आपको तकरीबन 5 प्रपोजल्स दिए गए हैं रिसर्च प्रपोजल्स, उसमें से कोई से 2 या 1 आप कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो कहेगा कि अपना टॉपिक को चूज करते हुए आप रिसर्च प्रपोजल तैयार करें, तो ये मोड इसमें दिए गए हैं 5 रिसर्च प्रपोजल, तो कोई सा 2 या 1 या 2 आप इसमें से कर सकते हैं। इस तरह एक चैप्टर जो 11 रिसर्च प्रपोजल वाला, इसमें बस यही क्वेश्चन करना है आपने। उसके बाद चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 12 इसमें भी कोई क्वेश्चन नहीं है, और चैप्टर 8 उसके बाद अपेंडिक्स आ जाता है, इसमें जो क्वेश्चंस आए हुए हैं पेपर्स में वो डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस शॉर्ट नोट में है ये। उसके बाद बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साइंटिफिक मेथड, लिटरेचर सर्वे, व्हाट इज गुड हाइपोथेसिस और इंटरनल वैलिडिटी, ये क्वेश्चन, एक्सपेरिमेंट, ये क्वेश्चन जो है ना चैप्टर नंबर 12 में, यानी कि ये लिमिटेड क्वेश्चन हैं, यानी कि तकरीबन अब करें तो 15 क्वेश्चन बनेंगे, इनसे इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा।
और रिसर्च जो है ना आपका पेपर 50 मार्क्स का जो है वो इन 15 क्वेश्चन करने से आपका 50 मार्क्स का पेपर इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम।